फैसले से पहले अयोध्या में प्रशासन का अलर्ट हो गया है। तो अयोध्या में जिलाधिकारी अनुज कुमार ने एक सर्कुलर जारी किया है जिसमें फैसले को लेकर सोशल मीडिया पर मैसेज और पोस्टर पर रोक लगा दी गई है। वहीं अयोध्या मामले से जुड़े मैसेज फॉरवर्ड करने पर रोक लगाई गई है, साथ ही अयोध्या में मामले से जुड़े पोस्टर भी लगाने को लेकर रोक लगाई गई है। तो अयोध्या के डीएम ने 28 दिसंबर तक ये रोक लगाई है। आपत्तिजनक पोस्ट कमेंट लिखने वालों पर भी सख्त कार्रवाई होगी अगर ऐसा किया जाता है। वहीं हंगामा करने वालों पर रासुका लगेगा। तो 28 दिसंबर तक राजनीतिक धार्मिक रैलियों और जुलूसों पर भी रोक लगाई गई है। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि जिस तरह से 40 दिन तक लगातार सुनवाई अयोध्या मसले को लेकर चलती रही, उसके बाद फैसले को सुरक्षित रख लिया गया और कहा जा रहा है कि 17 नवंबर से पहले, यानी कि सीजेआई रंजन गोगोई रिटायर्ड होने वाले हैं उससे पहले कभी भी ये फैसला जो सुरक्षित रख लिया गया है वो सुनाया जाएगा। फैसला जिसका इंतजार पूरा देश कहीं ना कहीं कर रहा है, उसको लेकर कोई तनावपूर्ण स्थिति ना बने उससे पहले कुछ आदेश यहां पर जारी किए गए हैं। यानी कि 31 अक्टूबर का एक जो है धारा 144 का हमने ऑर्डर जारी किया हुआ है, जिसके क्लॉज 10 में हमने बहुत क्लियरली कहा है और उसको मैं यहाँ पर कोट भी कर देता हूँ कि कोई भी व्यक्ति, संगठन, समूह, संप्रदाय, दल, सोशल मीडिया साइट जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, मैसेंजर, इंस्टाग्राम, हाइक, टेलीग्राम, ट्विटर आदि या अन्य किसी माध्यम से किसी भी प्रकार के सांप्रदायिक, भ्रामक, असत्य, दिग्भ्रमित व जनसामान्य को भड़काने वाली किसी भी प्रकार का कोई लेखन, वॉल पेंटिंग नहीं करेगा और नहीं कराएगा। कोई अफवाह फैलाने वाला मैसेज, फोटो, लाइक, शेयर नहीं करेगा और नहीं फैलाएगा जिससे सांप्रदायिक सौहार्द व सामाजिक सामंजस्य बिगड़ने की स्थिति उत्पन्न हो। तो इसमें हमने बहुत क्लियर कट ये कहा है कि कोई भी ऐसा पोस्ट नहीं करना है जैसे कि गलत सूचना दे करके कुछ किसी को इंसल्ट किया जाए या कोई भावना जो है भड़काया जाए, इंसाइट किया जाए, इससे बचना है। शांति तो रहनी चाहिए, कोई भी निर्णय आए शांति रहनी चाहिए, अशांति होने का कोई कारण नहीं। और अयोध्या को भी सरकार की जिम्मेदारी है वो शांति बनाकर रखे, इस प्रकार की कोई कार्रवाई न कर दे जिसके कारण से वहाँ तनाव पैदा हो जाए। तो शांति वहाँ है, शांति वहाँ रहने वाली है। तो मैं समझता हूँ कि निर्णय आने दीजिए, कहीं कोई अशांति होने वाली नहीं हिंदू समाज की ओर से। फैसला आ जाए उसकी प्रतीक्षा हो रही है, इसके बाद आगे कोई कदम उठाया जाएगा। लेकिन कोई फैसला राम जन्मभूमि पर आता है वो आता रहेगा, लेकिन उस फैसले के बाद हम काशी और मथुरा इसके ओर भी कूच करेंगे, बढ़ेंगे, क्योंकि धर्म स्थान मुक्ति यज्ञ समिति का जब हमने निर्माण किया था तो 3 ही स्थान हमारे एजेंडे में थे। प्रथम एजेंडा हमने फिर राम जन्मभूमि का बनाया। अब राम जन्मभूमि का निर्णय आ रहा है, अब क्या आता मुझे मालूम नहीं है, लेकिन राम जन्मभूमि के साथ समझौता तो किया ना जा सकता। अयोध्या का फैसला आ रहा है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का सब लोग स्वागत करेंगे। क्या मंदिर के पक्ष में आएगा तभी मानने को तैयार? माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो भी फैसला आएगा सब एकदम सम्मान पूर्वक, आदर पूर्वक उसका स्वागत करेंगे।